7 जिले 30 सीटें और ब्राह्मण आदिवासी वर्ग का वर्चस्व सफेद शेर और रियासतों के लिए पहचान रखने वाला विंध 17 नवंबर को जनादेश दे चुका है। 30 सीटों पर हुई करीब 62% वोटिंग, कई सीटों पर महिलाओं ने किया बंपर मतदान। 2018 में विंध ने थामे रखा भगवा ध्वज। 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। रीवा की सभी 8 सीटों पर किया क्लीन स्वीप। बीजेपी ने किला बचाने, कांग्रेस ने सेंध लगाने झोंकी ताकत। बीएसपी, एसपी और आम आदमी पार्टी ने भी लगाया जोर। आदिवासियों के बीच पहुंचे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज। पीएम मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल ने की जनसभाएं। सिंगरौली सीट से आपको है जीत की उम्मीद। चुनाव से पहले राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में मिली जगह। सीधी के पेशाब कांड की सियासत में हो रही गूंज। कई विधायकों, हारे हुए नेताओं के काटे टिकट। सीधी और सतना में सांसदों को मैदान में उतारा। कांग्रेस से आए सिद्धार्थ तिवारी पर भी जताया भरोसा। पार्टी बनाकर बागी नेता नारायण त्रिपाठी ठोक रहे ताल। विंध में चुनावी मुद्दों के उलट जाति भी हावी नजर आती है, लिहाजा आदिवासी और ब्राह्मण वोट के अलावा ओबीसी वोटर का दखल भी सियासत पलटने का मादा रखता है। 2023 के चुनाव में बीजेपी को जीत रिपीट करने का भरोसा है तो कांग्रेस को विंध की जनता से बदलाव की उम्मीद है। विंध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का फिर सुपड़ा साफ करने वाली है। 2018 फिर दोहराया जाएगा और रीवा जिले में भी हम पुनः हैं 8 की 8 सीट जीत कर। भारतीय जनता पार्टी पुनः है पश्चिमी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार के साथ सत्तासीन होगी। विंध में 25 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आ रही, आज 30 सीट कुल हैं, 25 से ज़्यादा सीट आएंगी और सभी सीटें हम अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जनता के मन में बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मन उठ गया है लोगों का और जनता आक्रोशित थी भारतीय जनता पार्टी के शासन से। महंगाई ने परेशान कर दिया, किसान परेशान हो गया, आत्महत्या के लिए मजबूर था और सबसे बड़ी बात हमारा युवा त्रस्त था। बदलाव की फिजा और बगावत की तासीर वाले विंध में बीजेपी कांग्रेस को जनमत मिलने से ज्यादा बागी, निर्दलीय और तीसरे मोर्चे को विंध की जनता कितना अपनाती है, इसमें सभी की दिलचस्पी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल नंबर 1, क्या विंध में बीजेपी 2018 के मैंडेट को रिपीट कर पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की जीत की उम्मीदों को पूरा करेगा विंध? सवाल नंबर 3, बागी, निर्दलीय और तीसरे मोर्चे का विंध कितना साथ देगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विंध का विनर कौन। जी हां साहब, विंध पर निगाह रखनी होगी, इसलिए रखनी होगी क्योंकि इस बार दावा कांग्रेस बहुत खम ठोक कर कह रही है कि विंध तो हमारा है और बीजेपी का कहना है हो सकता था लेकिन हमने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत करके हम आखिर लेवल में ले आए हैं, यानी ना आप वहां पर अपनी ताकत दिखा पाओगे और बल्कि हम थोड़ा एज लेंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। पता नहीं, ये तो 3 दिसंबर बताएगा सर। और इस कार्यक्रम को देखते समय आप भी किसी नतीजे पर मत पहुँचिए, 3 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है सर। हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि साहब ज़्यादा बेचैन होने का क्या मतलब है, और किसी की भी बात सुन के जैसा होता है ना कि क्रिकेट मैच देखते हुए नाखून चबाते हुए, अरे क्या कर दिया यार इसने, क्या बोल रहा है ये एंकर, ये इस पार्टी का पलड़ा भारी है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे अरे ये लोग तो पता नहीं क्या तू भी बोलते रहते। मत करिए, 3 दिसंबर सामने है। जो भी आपका विश्लेषण है उसको अपने मन में रखिए या बोलते रहिए और देखते रहिए बंसल न्यूज़ की ये खास पेशकश आज का मुद्दा। तो आज हम विंध की बात करेंगे, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे परिचित हो लीजिए। सबसे पहले मनोज सैनी जी हैं मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में। मनोज, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आप बराबर हमारे साथी हैं और मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ अखिलेश द्विवेदी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं सिंगरौली से, बहुत स्वागत करता हूँ। सौरभ पांडेय जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार शहडोल से। संजय प्यासी जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सतना से। और जयराम शुक्ला जी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार रीवा से, विश्लेषक, चिंतक, विचारक, वो भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले संजय प्यासी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा मुझे समझाइए, सत्ता में गणेश सिंह जी हैं, दिग्गज नेता हैं, फिर चलें तो फिर हम चलें तो नागौद से नागेंद्र सिंह जी की भी बात हो सकती है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं विंध्य में वो मौजूद हैं, फिर मैं आगे क्रमवार विश्लेषण करते हुए चलूँगा। बताइए मुझे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, सतना से हम शुरू करें तो किस तरह की परिस्थितियां आपको दिख रही हैं संजय जी? जी दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले जिस तरह की परिस्थितियां आमतौर पर पिछले चुनावों में देखने को मिली थी, इस बार बहुत कुछ परिस्थितियां भिन्न थी। कुछ हद तक सरकार पहले से कुछ व्यवस्थाएं चुनाव के दृष्टिकोण में रखते हुए कर रही थी और प्रत्याशियों के चयन के मामले में भी उन लोगों ने बहुत कुछ सावधानियां बरती हैं और दूसरी पार्टियां जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले अपनी तैयारियां करनी चाहिए थी वैसी तैयारियां देखने को कम मिली हैं। हालांकि चुनाव में के दौरान तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया और संगठन को भी खड़ा करने की कोशिश की, लोगों के बीच में जाने की कोशिश की और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सत्ता के उस प्रयास को जो उन्होंने चुनाव के कुछ पहले शुरू किया था उसको वो एक मतलब जो आंधी हो सकती थी उस आंधी को थामने की कोशिश की। सर थोड़ा समझाइए मुझे, मैं समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आंधी किसकी थी, कांग्रेस की थी वहाँ हो सकती थी? दरअसल जी दरअसल मेरी समझ से ऐसा लग रहा था कि सत्ता को ये लग रहा था कि हमने जिन योजनाओं को जनता के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उससे हमें इतना लाभ हो जाएगा चुनावों के पहले कि मतलब हमें जनता के बीच में जाके संघर्ष का एक वातावरण का सामना नहीं करना पड़े। वैसी परिस्थितियां आप कह रहे हैं कि अब वैसी दिख नहीं रही हैं? जी जी जी, चुनाव के दौरान वो सारे प्रयास जो सरकार ने अपने सत्ता में रहते हुए किया वो कहीं ना कहीं धरातल में जिस स्तर पर आना चाहिए था या मतदाता के जिस स्वभाव को हम लोग आकलित करते हैं आमतौर पर वो स्वभाव में हमें कम दिखाई दिया। तो आप कह रहे हैं कि नतीजे लगभग लगभग पिछले जैसे हो सकते हैं, क्या ये भी हम माने या ये कहना जल्दबाजी होगा अभी? नहीं, नतीजों के मामले में इसलिए अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगा कि ये देखिए दोनों के प्रयास अंडर करेंट है, मतलब बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर अगर किसी भी चीज का मूल्यांकन किया जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। और यही सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं सर संजय जी कि दो अंडर करंट अगर एक साथ चलते हैं तो वो फिर 2018 में खड़ा कर देते हैं, कांटे के मुकाबले की तरफ ले जाते हैं, तो अंडर करंट तो किसी एक के साथ ही होना चाहिए। चलिए सौरभ पांडे जी की तरफ मैं चलता हूँ, शहडोल से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, शहडोल और आसपास की परिस्थितियां जरा समझाइए, संजय जी को आपने भी सुना, फिर मैं अखिलेश जी की तरफ सिंगरौली चलूंगा। जी सौरभ जी, शहडोल जो है वो निश्चित ही एक भाजपा का एक अभेद किला है। शहडोल में तीन विधानसभा है, जैतपुर, ब्योहारी और जयसिंहनगर, ये तीनों विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 3 से 4 पंचवर्षीय से लगातार भाजपा ही सीट पे जीतती चली आ रही है। इस बार थोड़ी सी परिस्थिति यहाँ भी बदली हुई दिख रही है, जिस प्रकार से जयपुर और जयसिंहनगर में भाजपा ने प्रत्याशी दोनों जो मौजूदा विधायक थे उनको उनकी सीट बदलकर सभी को चौंकाया और व्यवहारी सीट में शरद कोल को दोबारा मौका देकर फिर से पार्टी ने यहाँ भी सबको चौंकाया। लगभग सबको उम्मीद थी कि शरद कोल को इस बार भाजपा विश्वास में नहीं लेगी क्योंकि शरद कोल वही विधायक हैं जिन्होंने बीच में कमलनाथ की सरकार आने पर कमलनाथ सरकार का समर्थन कर दिया था। तो भाजपा ने इस बार यहाँ पे शहडोल में तीनों सीटों में फिर से तीनों प्रत्याशी को रिपीट किया क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि शहडोल हमारा एक अभेद किला है। तो भाजपा अभी भी शहडोल की तीनों सीटों को, लेकिन आपका ऐसा मत है कि ऐसा इस बार इस गढ़ में सेंध हो सकती है? बिल्कुल, सेंध की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जयपुर विधायक मनीष सिंह जो रही हैं वो उनको जयसिंहनगर का टिकट दिया गया और जयसिंहनगर शहडोल मुख्यालय की सीट है। शहडोल मुख्यालय संभागीय मुख्यालय के साथ साथ यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा रोष देखने को मिला, जो चुनाव में जो प्रत्याशी को लेकर जो उत्साह होता है ऐसा उत्साह इस बार भाजपा के समर्थकों में नहीं मिला, भाजपा कार्यकर्ताओं में नहीं मिला।
तो कहीं ना कहीं जयसिंहगढ़ सीट जो है वो फंसी दिख रही है भाजपा की। ये शहडोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस तीन सीटों में से एक सीट जरूर लेकर जाएगी। क्या आप ये भी मानते हैं कि दोनों के पक्ष में एक अंडर करंट जैसी स्थिति दिख रही है आपको वहाँ शहडोल और आसपास? अब बिल्कुल अंडर करंट की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित यहाँ पे भी महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन एक ट्रेंड ये भी शेड्यूल में देखने को मिला है कि बहुत सारे मतदाताओं से जब बात हुई तो उनका कहना था कि 2018 में हमने भाजपा को तो वोट किया था लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को वोट किया है। तो एक जो ये ट्रेंड शेड्यूल में देखने को मिला है कि 2018 में भाजपा के साथ थे, अभी हम कांग्रेस साथ चले गए। लाडली बहना भले ही भाजपा के साथ जाए लेकिन जो यूथ वोटर है, पढ़े लिखे लोग थे या दूसरे वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार पाला अपना बदला है, पाला बदला है, ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अखिलेश जी, सिंगरौली और आसपास क्या मंजर है? जी जी सर, सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा के तीनों विधायक रहे हैं और भाजपा ने चौंकाने वाला निर्णय लिया, तीनों सीटिंग में नए का टिकट काट दिया, तीनों में नए चेहरे उतारा है उसने। अब कांग्रेस ने भी चेहरे बदल दिए हैं लेकिन वंशमणि वर्मा देवसर विधानसभा में वंशमणि वर्मा जी को तीसरी चौथी बार उन्होंने उतारा है, लगातार तीन बार वो लगातार चुनाव हार चुके, चौथी बार उतारा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी ऊपरी तौर पर नहीं दिखी, अंदर भी कुछ रहा हो, लेकिन जनता वर्सेज भाजपा चुनाव हुआ मेरे समझ से। इस बार जनता ने कहा कि परिवर्तन का फैक्टर है, जहां भी बात करो लोगों से, नहीं इस बार परिवर्तन का माहौल है, लोगों ने परिवर्तन के हिसाब से वोटिंग किया है। एक बीजेपी के प्लस ए है कि लाडली बहना योजना में महिलाओं ने अत्यधिक या सर्वाधिक वोटिंग करके उसको जीवन दान दिया है, ऐसा लग रहा है। आप तीनों की ऐसा लग रहा है कि सिंगरौली और चितरंगी में और यहाँ कांग्रेस का माहौल लगभग माना जा रहा है कांग्रेस का प्रभाव रहेगा। हम लगातार जो रीजन वाइज विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये बात तो समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के बजाय स्थानीय चेहरों को लेकर नाराजगी बहुत अधिक थी और ये नाराजगी इतनी अधिक थी कि इसी की वजह से बदलाव का एक नारा निकल पड़ा और ये नारा हमने मालवा निमाड़ में भी सुना एक दिन पहले चर्चा में और आज आप सबसे भी मैं सुन रहा हूँ कि बदलाव की बात कर रहा है और लाडली बहना ऐसा प्रतीत होती है कि बदलाव के इस नारे को बैलेंस करने वाली एक भूमिका निभा सकती है जो 3 दिसंबर बताएगा। अब जयराम शुक्ला जी से मैं ओवरऑल एक टिप्पणी के लिए मैं आग्रह करूंगा, उन्होंने सुना है सारे विंध्य रीजन के महत्वपूर्ण जो चौथे स्तंभ के हस्ताक्षर हैं। जी जयराम जी, ओवरऑल आपकी टिप्पणी। जी ये सभी साथियों ने लगभग जमीनी हकीकत ही बताई है। जी दरअसल आप लोकल बॉडी के चुनाव में जाएं, नगर निकाय और नगर पंचायत के, जी तो देखेंगे कि बीजेपी हर जगह हारी और हारती हुई नजर आई और तब से बीजेपी ऐसा लगा कि वो स्लिप हो गई इस क्षेत्र से। सिंगरौली में बीजेपी हारी, रीवा में बीजेपी हारी और सतना में लगभग मैं हारी ही मानता हूँ, यदि रिवेल नहीं होते शहीद अहमद तो वहाँ भी हारी हुई थी। नगर पालिका जहाँ पर है, जहाँ पे मैन टू मैन इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी बीजेपी हारी है, चाहे शहडोल या सीधी हो। तो कुल मिलाकर 1.5 साल पहले बीजेपी की जो स्थिति थी और कांग्रेस की जो स्थिति थी उससे ये लग रहा था कि कांग्रेस 2018 में उसी पोजीशन में पहुँचेगी जिस पोजीशन में बीजेपी थी। लेकिन इस एक साल में जो ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी है वो बेमिसाल है। 3 बार प्रधानमंत्री आए, 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 3-4 बार अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा आए, नितिन गडकरी आए, राष्ट्रपति का कोई पहला सार्वजनिक समारोह कहीं हुआ तो हमारे विंध्य में हुआ, शहडोल में हुआ, इतना इंटेंसिव। और मुझे लगता है 30 से 35 बार इस एक साल के भीतर तो शिवराज सिंह जी इस क्षेत्र में आए। तो कुल मिला के जो उन्होंने जितना असेसमेंट किया यहाँ पे कि बीजेपी बीजेपी की मुट्ठी से निकल रहा है, लगभग एक साल के भीतर उनकी मेहनत ने इतना रिटेन कर दिया कि आज कोई ये कह सकने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस 2018 में बीजेपी की स्थिति में आ जाएगी। हमने सभी के रिएक्शन सुने,
दरअसल मैंने एक बार पहले भी आपसे इसी डिबेट में कहा कि दो वर्ग है जिसका संकेत हमारे साथियों ने भी किया है कि एक अंडर करंट है, अंतर धारा है, एक धारा है, और वो धारा सड़क पर है, दफ्तर में है, बस में है, ट्रेन में है, ढाबों में है, पान के ठेलों में है, और वो धारा बदलाव की है, और उसके जो झंडा बरदार हैं वो यूथ हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी नौकरी फंसी हुई है, वो कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, जिनका प्रमोशन रुका हुआ है। तो इस तरीके का एक बड़ा वोकल वर्ग, पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो बदलाव और परिवर्तन की बात करता है। इसीलिए जब हम इसके किसी असेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा ठहर जाना पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन का तेज परिवर्तन का जो स्वर है वो बहुत तेज है। लेकिन जब दूसरी ओर हम उस अंडर करेंट का असेसमेंट करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो अंडर करेंट है उसका जो साइज है, हम दोनों के साइज का कंपैरिजन करते हैं, एक गुस्साया हुआ युवा और कर्मचारी और पढ़े लिखे लोग, दूसरा वो खामोश वर्ग जो खेत खलिहानों में काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो खदानों में काम करता है, जो दिहाड़ी की नौकरी करता है, जो घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तमाम, और वो बेनिफिशरी वर्ग साइज बहुत बड़ी है। अब 1,31,00,000 लाडली बहना है, 45,00,000 लाडली लक्ष्मियां हैं, जो कि बालिग हो गई, मुझे लगता है उनमें से इस बार वोट किया। मैं लौटता हूं, लेकिन मैं आपका वो गोल्डन वर्ड कभी नहीं भूलता हूं कि ये चुनाव लाभार्थी वर्सेस आकांक्षी है। जैसा आपने कहा कि एक तरफ वो एस्पिरेशनल यूथ है, आकांक्षी युवा है, और वो नाराज कर्मचारी भी है, या वो जो नौकरी में आने के बाद भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर गुस्से से भरा व्यक्ति है जो कहता है कि भैया कुछ भी आप कर रहे हो लेकिन मुझे क्या मिला। और दूसरी तरफ एक लाभार्थी है, ख़ासतौर से लाडली बहना की हम बात करें, तो ये कहते हैं साहब हमारे लिए तो ये हुआ और हमें बराबर ये पैसा मिल रहा। मनोज, मैं आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो लड़ाई है लाभार्थी वर्सेस आकांक्षी की, इस लड़ाई में आप क्या देखते हैं कि आकांक्षी का पल्ला शायद कांग्रेस की तरफ झुक रहा है और लाभार्थी जो है वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, लेकिन लाभार्थी को लेकर ना कांग्रेस ने भी कसर नहीं छोड़ी है, लाभार्थी भी उन्हीं योजनाओं के साथ हैं, कांग्रेस भी उन्हीं योजनाओं के साथ है जिनसे बीजेपी है, तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि ये बात कही जा रही है कि टसल तगड़ी है, मजबूत है। जी देखिए सर जी, बिंद की जहाँ तक बात करते हैं तो बिंद ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, और जैसा जयराम शुक्ल साहब भी बता रहे थे पिछली बार, बहुत अच्छा किया, और इसको बीजेपी समझ रही थी कि जब आपको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल जाता है तो आने वाले वर्षों के बाद वो कुछ बदलता है, और इसलिए देखिए उस बदलाव की तरफ बीजेपी ने काम किया। जहाँ तक बात लाभार्थी और आकांक्षी की बात हम करते हैं तो ये तो कोई शक नहीं इसमें कि लाभार्थी बहुत ज़्यादा है, 1,31,00,000 के लगभग। तो इसमें नारायण त्रिपाठी फैक्टर भी क्या आप मानते हैं क्या, अगर समय रहा तो मैं इस पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये फैक्टर काम करेगा वहां पर, लेकिन कुछ निर्दलीय या कुछ भीतर से जो सफेदोज करने वाले लोग हैं वो मुझे लगता है कुछ आंकड़े बिगाड़ने वाले, जिस तरह की खबरें बीजेपी के लोगों से भी मेरी बात होती, कांग्रेस के लोगों से भी बात होती, पर ये निश्चित रूप से आप मानकर चलिएगा कि जो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी वो इस बार उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। वो कितनी होगी, लाभार्थी भारी पड़ेंगे आकांक्षी पर, ये मानकर चलिए कि परिवर्तन तो है, परिवर्तन तो है, लेकिन वो सीमा क्या होगी उसकी, जी साइज क्या होगा जैसा। जी 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 जयराम जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में एक रिएक्शन दीजिए जल्दी से अपना। नारायण त्रिपाठी फैक्टर क्या पूरी तरह न्यूट्रल है, और बागी फैक्टर क्या वहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान करेगा? जी नहीं नहीं, देखिए नारायण त्रिपाठी तो इरिलीवेंट हो गए इस चुनाव में जी, और जो बागी हैं खासतौर पर नागौद में हैं बागी, और त्योंथर में हैं बागी, और ये ये केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी और सिरमौर से हैं। तो देखिए एक अब तक का जो पूरा इतिहास रहा है, आपने राजनीति देखी है, जो डिवीजन होता है, जब डिवीजन होता है वो डिवीजन, तो तब उसका फायदा बीजेपी को जाता है क्योंकि बीजेपी के सोट सेट वोट हैं। अब एक उदाहरण देवतलाव का लीजिए, देवतलाव में 2008 के बाद से गिरीश गौतम लड़ रहे हैं,
लेकिन अब तक वो डिवीजन से ही जीतते रहे, उनको 25% 26% से ज्यादा वोट नहीं मिले। तीन तीन चार चार पार्टियां जब खड़ी हो जाती हैं तो उस डिवीजन में वो कभी 1200 वोट से कभी 600 वोट से लगातार जीतते जा रहे हैं। तो ये जो डिवीजन है ये बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा, ये डिवीज़न कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समीकरण बिगाड़ने वाले हैं ये कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगे। नारायण त्रिपाठी और उनकी पार्टी जो सो कॉल्ड बिंद के नाम से बिंद विकास पार्टी है वो तो इरिलीवेंट है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि मैहर में वो कॉन्टेस्ट से बाहर है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी तगड़ी फाइट है, ऐसी खबर है मुझे। ये जो स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है शुक्ला जी, कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को लेकर, ये नाराजगी बहुत बैलेंस करने की कोशिश हुई है, लेकिन फिर भी कितना बैलेंस कर पाई है बीजेपी? क्या वो इस पूरे चुनाव में वोट कटवा कैंडिडेट्स पर ही डिपेंड कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब सीटों में नहीं है, कुछ एक सीटों में है। और बीजेपी ने उम्मीदवार तो ठीक ठाक दिए हैं, और ऐसा भी उनके खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब एक एक दो दो बार के, जैसे अब रीवा में थोड़ा सा आप ये मानते हैं कि नजदीकी मुकाबले में इसका एज मिल सकता है बीजेपी के प्रत्याशियों को, ये जो जहां जहां पर भी बागी या फिर मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है वहां पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है विंध्य में? निश्चित तौर पे, क्योंकि उसका अपना एक सेट वोट बैंक है। जी जी जी, और इसीलिए शरद जी शायद काम भी किया है। आप देखिए अमित शाह जी ने भी शायद यही बात कही थी कि हमें सपा और बसपा की तरफ देखना है, कुछ बागियों की तरफ भी देखना, तो ये गणित पहले से तैयार हो चुका है। जी सही बात है, बिल्कुल आपने ठीक है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका मनोज मैं जरूर लेना चाहूंगा, किस तरह आप देखते हैं लड़ाई? मुझे तो बहुत टसल की अब दिख रही, जितना मैं आज ये दूसरे रीजन में मध्य प्रदेश के हूँ, तीसरा रीजन है, तीसरा है, मालवा निमाड़ की बात हमने की है और इसके पहले भी हमने एक रीजन की बात की है जी, और आज हम विंध्य की बात कर रहे हैं जी। ओवरऑल हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं लोगों से, तो ये तो बहुत समझ आ रहा है कि तकरार बड़ी जोरदार है, जिसको हम कहते भी रहे 23 की तकरार जोरदार, बंसल न्यूज़ तो लगातार इस बात को कहता रहा, और मुझे लगता है जब रिजल्ट हम लोग के सामने होंगे तो दर्शक भी यही देख रहे होंगे कहीं कोई आगे बढ़ते नजर आ गए, कहीं कोई, यानी जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, तो इंतजार करना पड़ेगा, पर बहुत दिलचस्प चुनाव, बहुत अलग। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया सौरभ पांडे जी, बहुत शुक्रिया संजय पयाती जी, बहुत शुक्रिया जयराम शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिला के इस चुनाव में मुस्कुरा वही सकता है जो चुनाव प्रबंधन का माहिर है, चाणक्य है, जो एक एक बहते हुए पानी या उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता है, वही मुस्कुरा सकता है सर। बाकी तो पसीना पोंछते हुए कहेंगे कल तक तो बढ़िया दिख रहा था, आज ये बता रहे हैं बंसल न्यूज़ वाले की कुछ बड़ी टफ फाइट हो रही है, ये क्या हो रहा है, और ये फलौदी सट्टा बाजार क्या चीज है यार, ये क्या कहता है, ये भी कह रहा है कि हर बार बड़ी कड़ी टक्कर है मध्य प्रदेश में, और 30 तारीख को एग्जिट पोल वाले आएंगे तो वो भी क्या टफ पोल की कहानी कहेंगे, या कहेंगे कि ये पार्टी बिल्कुल साफ आगे है, क्योंकि अधिकांश जो प्री पोल हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, हालांकि नजदीकी मुकाबले की कहानी उन्होंने भी कही है, लेकिन ये जो एग्जिट पोल होगा 30 का और जो वास्तविक एग्जिट पोल होगा 3 दिसंबर का, सर वही बताएगा। 3 दिसंबर पर ही रहिए निर्भर, हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए आप देखते रहिए चुनाव को, क्योंकि जो बंद होना है ईवीएम में वो बंद हो चुका है सर। बहुत एक बार फिर सभी का धन्यवाद, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर, नमस्कार।